It's about him. सबसे बड़ा हॉट स्टार्ट इटालियन स्टैलियन इज शमून। खैर क्या बात है, वो तो जान है हमारे इस ड्रामे की। मतलब शमून के पीछे जंगे हो गई हैं और अखाड़ा बना ही उसके लिए था। वो मतलब आप सोनिया किस लिए आती थी फाइटिंग देखने, इसको ढूंढ रही हूँ। फिरोज को पीछे क्यों लगाया, इसके लिए तो क्या देख रहे हैं, फिरोज की वजह से देख रहे हैं। फिरोज का कोई काम नहीं इस ड्रामे में। इस ड्रामे में सिर्फ शमून मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो बहुत अच्छा था, वो जो पहचाना है ना, ओए हाय, मतलब नाम इतना क्यूट। नहीं, हमारी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आशु, आई लव्ड इट। हर एक ना किसी से जुड़ा हुआ है और मुझे इस वक्त लग रहा है कि मेन जो इस वक्त प्रोटैगनिस्ट है हमारा ये है अपना शमून। इस वक्त अखाड़ा को लेके चल रहा है। इट्स एवरीथिंग इज अबाउट हिम। सबसे बड़ा हॉट स्टार्ट इटालियन स्टैलियन इज शमून। बाकी सब साइड पे हो गए हैं इस ड्रामे में। आई एम सॉरी, नहीं वसीम अब्बास साइड पे नहीं हुए। वो नहीं तो खैर क्या बात है, वो तो जान है हमारे इस ड्रामे की। लेकिन जो जिसने हर कहते ना हर खातून के दिल पे उसी को बुला रही है, नहीं तुम नहीं। मतलब शमून के पीछे जंगे हो गई हैं और होने वाली हैं और अखाड़ा बना ही उसके लिए था। वो मतलब आप सोनिया किस लिए आती थी फाइटिंग देखने, इसको ढूंढ रही होती। इसकी माँ कैसे आती थी, इसको ढूंढ रही होती। फिरोज को पीछे क्यों लगाया, इसकी वजह से। अखाड़ा भला कैसे, इसकी वजह से। आप तो क्या देख रहे हैं, फिरोज की वजह से देख रहे हैं। फिरोज का कोई काम नहीं इस ड्रामे में। इस ड्रामे में सिर्फ शमून मेन प्रोटैगनिस्ट है और सारी खवातीन पुराने जमाने की आज के जमाने की किसी के पीछे पागल है। सो प्लीज आप ना कैरेक्टर्स को समझें। तो आई एम लविंग इट। मैं तो आशु, तुम मुझसे शादी करोगे तो ही कहानी आगे चलेगी। जिम खुलवाना, शादी करो। उसने कोई वो नहीं किया। अच्छा मेरी क्या कीमत होगी, शादी कर लो मुझसे। वो अगली जिम में एंट्री मार रहा है बिकॉज़ ही केयर्स फॉर द बॉयज। या मैंने ही सैक्रिफाइसिंग हिमसेल्फ। बस सीधी बात है, मैं तो ईद बनानी इस दफा आशु के साथ। आप लोगों का पता नहीं, मैं तो आशु के घर जा रही हूँ। आई वांट अस टू बी फ्रेंड्स। मेरे सारे काम सही हो जाएंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था इसमें, दिलबर। दिलबर में भी पावरफुल है। उसकी एक्टिंग ही वाज सो गुड, ही वाज सो गुड। फाइटर इकट्ठे कर दो, हमारे हीरो को जीरो कर दिया एकदम आशु ने। समझ नहीं आई ये क्या हो गया भाई। तो बस इस दफा ना मुझे लगा कोई साजिश हुई है दिलशेर के खिलाफ। इतना पिटा है बेचारा, हर फाइट में हारता है। वो जो एक वो शुरली थी जो घूमे जा रही थी यहाँ से वहां, उसको पीट रहा होता है एंड में फिर पोज में जाता है, फिर मुंह पे लाल पड़ती है, गिर जाता है। अच्छी डायरेक्शन हुई, सॉरी डायरेक्शन, या अंदर से उमट के निकल रहा है। हाँ तो लाइंस में मुझे सिरा और के लाइन सीन्स जो थे उसके साथ रेशमा नाम है, हाँ, रेशमा के साथ दोनों उनके अच्छे सीन्स हैं। और ये कि अब फादर ने बड़े अजीब से मोमेंट आया जो कभी मैंने ड्रामे में नहीं देखा कि बहू ने कहा कि इसने मुझे फंसाया है। वो मान गया बाप, लेकिन अंदर से नहीं माना। उस वक्त नहीं रिएक्ट किया, जाके बेटी की फिर साइड ली कि नहीं ये सही कह रही है, भाभी ने कोई मसला, इसी में मसला है कि लेटर उसने मुझे भेजा है। तो इट वाज नाइस कि इसने इसको यकीन नहीं किया। हाँ मुझे बस यहाँ किसी की अपनी मर्जी से शादी नहीं हो रही। अगर आप देखें तो हर बंदा फेडअप है, हर एक की ज़बरदस्ती। इवन आशु की भी शादी नहीं हो रही, किसी की सही अपने पसंद से बंदे से नहीं हो रही। रेशमा की उससे हो रही है, उसकी उससे हो रही है, उसका कोई किसी को मिल नहीं रहा उसको अपना पार्टनर। लेकिन रुस्तम इज स्लोली फॉलिंग इन लव विद। रुस्तम स्माइल में डर गई। हाँ रुस्तम ने एक सीन में रुस्तम स्माइल किया। आई वाज लाइक हाय, रुस्तम अब्दुल्लापुर के देवदास में बहुत अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर सूट कुछ ना कुछ। सो आई इफ आई हैव गिवन द राइटिंग अ 7, आई विल गिव हिम अ 6। गुड जॉब ना दिया। जो अंजुम शहजाद की बात क्रेडिट को जाती है उसके, कि एक ड्रामा बिल्कुल डिफरेंट थीम के साथ। और ग्रीन पे व्यूज ऑटोमेटिकली नहीं आते, ड्रामा हैज टू बी रियली गुड तब फिर व्यूज आते हैं उस चैनल में, क्योंकि नया चैनल है। तो एक थीम अलग, फिर जब क्या कहते हैं पहलवानी क्लिक की, MMA आ गई। अब हमने कहा ड्रामा शायद गिरे, लोगों को समझना है, वो भी समझ आ गया। पीपल आर वाचिंग 4 मिलियन व्यूज और रेगुलरली हर एपिसोड में 4 मिलियन व्यूज। एक बहुत बड़ी कामयाबी खुद से है ऑन ग्रीन चैनल के आप और इस तरह की थीम पे। तो ये इसको वाकई क्रेडिट जाता है शहजाद के। एक्सपेरिमेंट किया, कामयाब हो गया। तो समवेयर ही इज जस्ट डूइंग द राइट थिंग। और लोगों ने पसंद किया। जहां पर हमारा एक्चुअली ड्रामा इंटरनेशनल हो जाएगा जब हम इस तरह के टॉपिक्स उठाएंगे। बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था और वो जिस तरह से। बट आई थिंक जिंदो इज प्रोबब्ली हिज बेस्ट सो फार। and all of but these. I like Akhara as well. But like, Akhara ये एक क्लिक होना बड़ी अच्छी बात है। अखाड़ा में मैं मेहनत देख रहा था, मेल भी देख रहे हैं इसको, मेहनत में देख रहा था कि एक एक छोटे शॉट्स के लिए भी आउटडोर किया हुआ है। वो बाइक पे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं तो जा रहे हैं जिम। ये नहीं है कि बात होगी तुम जिम से हो आए, तुमने जिम कर लिया, वो बातें ऐसे भी कर लेते हैं लोग, लेकिन ये गए हैं। तो इसका क्रेडिट जाता है कि आप ये देखो कि एक बिल्कुल मॉडर्न एक्शन वाली थीम को लेके अंजुम शहजाद चल रहे हैं, साथ में घरेलू ड्रामा भी चल रहे हैं और दोनों मजेदार हैं। मैंने पहली दफा देखा कि नजर का क्या नाम है जो रियासत चौधरी, पहली दफा दिन में मैंने उसका घर देखा। अदरवाइज हर शॉट सोनिया के घर का भी रात में आता था, घर बहुत अच्छा है। और वो तो लॉन शॉन है, वो बाहर से मैंने कहा शुक्र है दिन निकला इस घर में, हमेशा रात में वो जब उसको ये आपका पहली दफा दिन में कोई शॉट देखा, अदरवाइज थ्रू आउट रात होती है, पता नहीं शायद पहले घर था। और ये देखो कितनी मजे की लास्ट एपिसोड्स में प्रोग्रेस हुई है कि रुस्तम का बाप भी कह रहा है लड़ो दिलशेर को मारो, दिलशेर का बाप भी अब आ गया कि आई विल सपोर्ट यू, इसको नीचा दिखाओ, इसको छोड़ना नहीं। तो ये फाइट इनएविटेबली होनी है, फाइनल होनी है। दिलशेर रॉकी भी शुरू में बहुत पिटा था, ये भी डेली पिट रहा है और इवेंचुअली दैट फाइनल फाइट विल कम जहां ये इसको सही मारेगा। और शायद ये मेरा सिर्फ एक सवाल है, अगर आप ऐसी, क्योंकि मैं फाइट्स वगैरह देखता रहता हूँ, अगर एक इंसान जो है बहुत दफा हार जाए उसके ऊपर पैसे नहीं लगाते तो वो हारा बंदा है ना, उसपे या तो अपसेट आप पैसे का बुकी बनाता है। एक तो कॉलेज में उससे हार रहा है, ऊपर से और डेली हार रहा है, हर दफा हार रहा है। वो रिंग में, अच्छा वो रिंग भी अच्छी हो गई है, वो केज और एमएमए फाइटिंग वाला डायरेक्टर ने चेंज किया है। पहले अलग फाइटिंग हो रही थी गाड़ियों के पास, फिर एक वो, लेकिन वो भी हो रही है। अब जो केज एंड स्टेज टाइप चीज आई है जो एमएमए फाइटिंग की, वो अंजुम ने बहुत अच्छा सेटअप किया फाइटिंग का, उससे बहुत बिलीवेबल लग रहा है और क्लासी लग रहा है। और कपड़े भी कहीं कहीं जो उन्होंने पहने बिल्कुल एमएमए फाइटिंग वाले अच्छे हैं। So this is impressive direction. So direction के number 8. Both things are happening at the same time. I think the writing is getting more marks here. Okay. Direction कहीं कहीं flawed है, क्योंकि जब कभी हम रिंग में जाते हैं हम disappointed वापस आते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ। हाँ, ये मैंने खुद देखा होता है। अच्छा वो लड़ रहे हैं और वो एक लड़का खुद ही अपने वो एरोबिक्स किए जा रहा है, उसके बाद वो फिर और मार रहा है फिर उसको। फाइट बहुत अच्छी है, रुस्तम की फाइट नहीं थी अच्छी, वो भी अच्छी नहीं। रुस्तम अच्छा लगा, रुस्तम फिर भी क्योंकि रुस्तम है ही एमएमए फाइटर, रुस्तम ने सीखा हुआ है, तो पता नहीं क्या ही होनी चाहिए थी ना। फाइट सीक्वेंसेस नहीं बने अभी तक भी, जो रैंडम सड़क की फाइट हुई है वो फिर भी बिलीवेबल थी, बट जो रिंग में फाइट हुई है, आई थिंक द एडिटिंग इज वीक। मुझे ये समझ नहीं आती, जहां पे क्लोजअप की जरूरत नहीं होती वहां पे आप क्यों डालते हैं। जब वो यूं गिरा है और वो यूं बैठ गया, उसको लगी है चोट, अब वो फिर यूं करके देख रहा है और यहाँ पे क्लोजअप आया उसका, अब वो फिर दोबारा हो गया, फिर अब लॉन्ग शॉट में दिखा रहे हैं। यानी यहाँ पे चार कॉमन थी शुरू से अब तक, और वो ये कि मशल खान सबसे ज़्यादा लोगों को इसमें पसंद आई है एज स्टैंडिंग आउट चैलेंज्ड ना। असल में ये इस सीन की जान है, एंड द वे शी सेट डिलीवर्ड दीज लाइन्स, पागल खाना इज पिक्ड अप, इनफैक्ट इंटरनेशनली बहुत पिकअप किया है। इसकी रील शॉट्स बहुत शेयर हुई, चीज़ इस एपिसोड में हुई है अब तक है वो ये मशल की कास्टिंग है के, और सबने इसको नोटिस किया यार ये बंदी बड़ी सही लग रही है इस रोल में, बड़ा अच्छा कर रही है। तो कंसिस्टेंसी थी और ये सूट किया इसको कैरेक्टर। लाइंस में सबसे अच्छी बात ये अल्फाज कितने मज़े के हैं, पक्की उर्दू, पक्के पक्के लफ्ज़ नहीं, कितने कैजुअल स्ट्रीट लैंग्वेज यूज़ हुई हुई है। मेरा चेहरा ले रहे हो, मेरा ये जो वर्ड्स है ना, असल में ये इस सीन की जान है, एंड द वे शी सेट delivered these lines या delivered these dialogues, ये words बड़े। I think she's the only one जो इस character को बहुत समझ के कर रही है कि वो उसको कोई बीमारी है तो उसको कैसे लेके। और disturb person यही ज़बान इस्तेमाल करेगा, शायद इससे भी ज़्यादा सख्त। अगर इसमें philosophy होती ना, सीन नहीं मर जाना था, चाहे जैसी भी performance होती, तो words बहुत। अखाड़ा ये तो पूरी कहानी हुई भाई। मैं तो खुश हूँ आशू की एंट्री पे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या देखा, मैं तो जो अरे तुम आशू